पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ खेला कर दिया है। आज ममता बनर्जी ने एक विशाल रैली करके अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस रैली में ममता बनर्जी ने बंगाल की सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया और इन नामों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस के साथ गठबंधन की सारी उम्मीदें ध्वस्त हो गई। खास बात यह है कि जिस बहरामपुर सीट से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी सांसद हैं, इसी सीट पर टीएमसी ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतार दिया। अब कांग्रेस भड़की हुई है, दूसरी ओर ममता भी अब ललकारने में पीछे नहीं। खेला होवे, जीते होवे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भवानी, जय शिवाजी। पश्चिम बंगाल का समर गहराने लगा है। एक तरफ कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ममता बनर्जी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, दूसरी ओर बीजेपी संदेश खाली में समर छेड़े हुए है। लेकिन बीजेपी और टीएमसी की इस लड़ाई में कांग्रेस के लिए बुरी खबर आई है, क्योंकि टीएमसी ने बंगाल की सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। तय हो गया है कि टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। तृणमूल कांग्रेस लड़वे, आसाम इस ऐलान के साथ ही कांग्रेस के साथ गठबंधन की सारी उम्मीदें, सारी अटकलें और सारी कोशिशें खत्म हो गई हैं। टीएमसी के ऐलान के बाद कांग्रेस नेताओं का दर्द छलक रहा है। वो बीजेपी के साथ नहीं गई है, मैं नहीं जानता हूँ उन पर क्या दबाव आए हैं, मैं नहीं जानता हूँ। पर मैं ये बात कहूंगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है कि हम चाहते हैं कि टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग हो, बातचीत हो, सम्मानजनक फॉर्मूला ढूंढा जाए, बीच का रास्ता ढूंढा जाए, एक तरफा कोई घोषणा नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि हमारे ओर से भी कुछ बयान आए हैं जो कुछ हमको परेशानी हुई है उन बयानों से। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। अब तय है कि बंगाल में चुनावी लड़ाई चौतरफा हो गई है। तृणमूल बनाम बीजेपी बनाम कांग्रेस बनाम सीपीएम, मतलब कि चतुष्कोणीय मुकाबला। बंगाल का मौजूदा समीकरण बीजेपी के मनमाफिक हो चुका है, क्योंकि वो भी जानती है कि टीएमसी और कांग्रेस के अलग अलग लड़ने से उसे सीधा फायदा होगा, क्योंकि दोनों के परंपरागत वोट बटेंगे, जिससे उसे चुनावी लाभ की दशा बन सकती है। बीजेपी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी है। देखिए, 80% तो वही पुराने चोर हैं और 20% को उतारा है ताकि आने वाले समय में वो और बड़े चोर बने। तो 42 के 42 तृणमूल के जितने कैंडिडेट हैं, सब चोरी करने में माहिर हैं। ऐसे ही कैंडिडेट हैं उनके पास, और 42 तो कोई व्यापारी नहीं था, मतलब कोई बड़ी बात ही नहीं है। इनके पास तो हजारों की तादाद में चोर हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संदेश खाली जैसी जो घटना है उसका बहुत बड़ा ग्रास रूट पर इफेक्ट देखने मिलेगा। जो माताएं और बहने 50% के आसपास जिनकी आबादी है पश्चिम बंगाल में, वो इंसाफ करके दिखाएंगी, वो बदला लेकर के दिखाएंगी। ममता बनर्जी এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তিনি নাকি মহিলা দরদি, তিনি নাকি 500 টাকা 1000 টাকা অনেক কিছু দিয়েছেন। তিনি আজকে 2 মাসেরও বেশি সময় হয়ে গেল সন্দেশখালিতে আসার মতো প্রয়োজন অনুভব করেননি। बीजेपी संदेश खाली के मुद्दे पर टीएमसी को घेर रही है। ममता बनर्जी हर वार पर पलटवार कर रही है। पगड़ी पड़ते हैं इसी के लिए, पंजाबी को खालिस्तान नाम पे पुकारता है और मुस्लिम को पाकिस्तानी नाम से पुकारता है और दलितों को ऊपर अत्याचार करते हैं, जनजाति का ऊपर अत्याचार करते हैं, तपसिली का ऊपर अत्याचार करते हैं, हर इंसान का ऊपर अत्याचार करते हैं। बंगला में किचू ना होते ही सब लोग चले आसे। क्या हुआ मणिपुर में, जब मणिपुर वॉज बर्निंग, व्हाट हैपेंड टू बीजेपी? हाउ मेनी बीजेपी लीडर्स वेंट देयर? हाउ मेनी बीजेपी लीडर्स हेल्प द नेकेड वुमेन? ममता बनर्जी फ्रंट फुट पर खेल रही हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टीएमसी ने बहरामपुर सीट से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा है। इसके अलावा आसनसोल से अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा
और दुर्गापुर से पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद का नाम शामिल है। कितनी शर्म की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर भी जो कहता है मोदी का परिवार, क्या बंगाल मोदी का परिवार नहीं है? 1,60,000 करोड़ अभी का रोक के रखा हुआ है, आपके खून पसीने की कमाई, जो आपने जीएसटी दिया, इनकम टैक्स दिया, डायरेक्ट टैक्स दिया, इनडायरेक्ट टैक्स दिया, उसका पैसा 4,60,000 करोड़ जो बंगाल के लोगों का हक बनता है वो नहीं मिला। और उसके लिए अगर कोई शुरू से लेके आज तक बरती रही है तो वो महिखासुर मर्दनी हमारी ममता दीदी है। इतना ही नहीं, टीएमसी ने बशीरहाट लोकसभा सीट से एक्ट्रेस नुसरत जहां और जादवपुर सीट से एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती का टिकट काट दिया है। टीएमसी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 16 मौजूदा सांसदों को टिकट दिया है, इनमें 12 महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा बंगाली फिल्म इंडस्ट्रीज के दो बड़े चेहरे रचना बनर्जी को हुगली और दीपक अधिकारी देव को घाटल से टिकट दिया गया है। अब कांग्रेस कह रही है कि यूसुफ पठान को चुनाव में उतार कर ममता बनर्जी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। यह तो यूसुफ पठान के बारे में ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगी गुजरात से, उनके नाम है यूसुफ पठान। लेकिन यहां उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। अब सोचना कांग्रेस को है कि बंगाल में उसकी रणनीति अब क्या होगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने तो अपने इरादे साफ कर दिए हैं। संदेश खाली से सूर्याग्नि रॉय और ऋतिक मंडल के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं देश को, किससे किसकी ठनी, न्याय की मंजिलें नहीं बन रही, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश, खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते, शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।